हे दोस्तों, अगर आप भी मेरे जैसा एडल्ट कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको रेकमेंड करने वाला हूँ टॉप 10 एडल्ट कॉमेडी मूवीज़ जिसे आपने शायद ही देखा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो को एंड तक देखना ताकि अपनी वॉच लिस्ट में एक नई मूवी को ऐड कर सको। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में 10th मूवी जिसका नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, 2011 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10। तो दोस्तों ये मूवी की स्टोरी है दो लोगों की जो की एक जॉब के सिलसिले में मिलते हैं जिनका नाम जैमी और डायलन होता है। जैमी डायलन को एक बड़े से कंपनी में नौकरी लगा कर देती है। एक दो बार साथ मिलकर हैंग आउट करने के बाद वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनके बीच सिर्फ सेक्स होगा और उसके अलावा कोई भी लव या रोमांस का ड्रामा नहीं होगा। और आगे जाकर ये रिलेशनशिप को जैमी और डायलन कैसा रूप देते हैं वो आप इस मूवी में जरूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारी लिस्ट पे 9th मूवी जिसका नाम है किक एस, 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6 out of 10। तो दोस्तों ये स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जिसका नाम होता है डेव और उसे एक दिन वो डिसाइड करता है कि उसे सुपर हीरो बनना है और भाई क्या बन भी जाता है। बट उसके पास पहनने के लिए कपड़े तो होते हैं बट उसके अलावा ना कोई उसके पास सॉलिड रीजन होता है या फिर कोई मोटिव और या फिर आप कह सकते हो कोई भी टैक्टिक्स। इस तीनों के अलावा फिर भी बंदे को बनना होता है सुपर हीरो और उसी दौरान कुछ गुंडों से उसकी फाइट भी हो जाती है। भाई साहब उसमें बहुत बुरी तरह पिटता भी है और वो बंदे को बचा भी लेता है और उसी दौरान किक-ऐस की वीडियो वायरल हो जाती है और रातों रात बंदा फेमस हो जाता है और कैसे आने वाले क्रिमिनल्स या फिर आने वाले क्राइम उसके सिटी में हो रहे हैं उसको कैसे कम करता है और ये कैसे मूव होती स्टोरी इस मूवी की वो आप इस मूवी में देखिए। दोस्तों हमारी लिस्ट पे 8th मूवी जिसका नाम है अमेरिकन पाई सीरीज की फर्स्ट मूवी जो की काफी फेमस है उसकी कॉमेडी के लिए। 99 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7 out of 10। दोस्तों ये मूवी की स्टोरी है चार दोस्तों की जो कॉलेज में तो है लेकिन उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। कई लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद ये चार दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो इस ईयर के एंड तक कैसे भी अपनी वर्जिनिटी लूज करके ही रहेंगे। तो क्या दोस्तों ये चार दोस्त इस ईयर के एंड तक अपनी वर्जिनिटी लूज कर पाते हैं या नहीं वो आप इस स्टोरी में देखिए। दोस्तों हमारी लिस्ट पे नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है बैड टीचर, 2011 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.6 out of 10। दोस्तों ये मूवी की स्टोरी है हमारे लीड एक्ट्रेस की जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, जिसे उसके फियांसे ने छोड़ दिया उसकी बुरी आदतों के कारण और उसको अपना पुराना वही घिसा पिटा स्कूल टीचर का जॉब करना पड़ रहा है और एलिजाबेथ चाहती है कि उसकी शादी एक अमीर घर के लड़के से हो जाए। तो क्या एलिजाबेथ अमीर लड़के से शादी करती है या नहीं और कैसे अपने लाइफ को एक स्टेबल बनाती है वो आप इस मूवी में देखिए दोस्तों। दोस्तों हमारी लिस्ट पे 6th मूवी जिसका नाम है द डिक्टेटर, 2012 में रिलीज हुई एक डार्क कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 out of 10। तो दोस्तों ये स्टोरी है हमारे लीड कैरेक्टर की जिसका नाम होता है अलादीन। दिमाग से पैदल और बच्चों जैसी हरकत रखने वाला इंसान कोई देश चलाने लगे तो कैसा लगेगा दोस्तों, वही सेम सिनेरियो अप्लाई होता है इस मूवी पर। दोस्तों अलादीन जो दिखने में तो इंसान है ही बट वो दिमाग से बच्चा है और मन चाहे जो चाहता है वो करता है। तो दोस्तों ये मूवी सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है। तो दोस्तों आ जाते हैं हमारी लिस्ट पर रखी 5th मूवी पर जिसका नाम है पाइनएप्पल एक्सप्रेस, 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 out of 10। तो दोस्तों बात आती है इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी की लीड कैरेक्टर का नाम होता है डेल जो कि भाई एक नंबर का स्टोनर होता है और वो एक दिन माल फूकते हुए एक मर्डर को देख लेता है और दूसरी तरफ वही मर्डर उस सिटी के एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने किया होता है। तो डेल कैसे अपनी जान उस पुलिस ऑफिसर से बचाता है और कैसे इस मर्डर के चंगुल से बाहर निकलता है वो आप इस मूवी में देखिए। दोस्तों हमारी लिस्ट पे 4th मूवी जिसका नाम है टेड, 2012 में रिलीज हुई एक फैंटेसी कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 out of 10। दोस्तों हमने इंसानों को ठरकी बनते हुए देखा है, अगर उसी जगह पर अगर कोई टॉय ठरकी बन जाए तो यही सेम स्टोरी अप्लाई होती है हमारे इस मूवी पर। जब जॉन अपने बचपन में क्रिसमस के नाइट जब विश मांगता है कि उसका टेडी बियर जिंदा हो जाए और भाई साहब क्या वो टेडी बियर जिंदा हो भी जाता है और जॉन उसका नाम रखता है टेड और भाई उन लोग दोनों मिलकर एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और भाई कई सारी हरकतें करते हैं और मुश्किल तो तब खड़ी हो जाती है जब जॉन को डिसाइड करना होता है कि उसे टेड को चुने या फिर उसकी गर्लफ्रेंड को। तो आगे जाकर देखिए जॉन किसका साइड लेता है और कैसे स्टोरी मूव होती है आप इस मूवी में देखिए। तो दोस्तों
आ जाते हैं हमारी लिस्ट पे रखी थर्ड मूवी पर, जिसका नाम है फॉरगेटिंग सारा मार्शल। तो दोस्तों ये स्टोरी है हमारे लीड कैरेक्टर की जिसका नाम होता है पीटर, और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है सारा। सारा पीटर के साथ ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चले जाती है, और इसी ब्रेकअप का गम भुलाने के लिए पीटर हवाई जाता है घूमने के लिए। हवाई जाने के बाद पीटर की रेचल के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और उसी दौरान पीटर देखता है कि सारा भी उसी सेम होटल में अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन बनाने आई है। तो दोस्तों पीटर कैसे अपने लाइफ पार्टनर को डिसाइड करता है वो आप आगे ही स्टोरी में देखिए। तो दोस्तों आ जाते हैं हमारे लिस्ट पे रखी सेकंड मूवी पर, जिसका नाम है द हैंगओवर। 2009 में रिलीज हुई एक हार्डकोर कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7 out of 10। तो दोस्तों ये मूवी की स्टोरी है हमारे चार दोस्तों की, जिनमें से एक की शादी होने वाली है और उसका नाम होता है डॉग। और ये चार दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बैचलर्स पार्टी बनाएंगे लॉस वेगस में। तो दोस्तों होटल में जाने के बाद ये चार दोस्त ड्रिंक करते हैं, और उसमें से एक बंदा जिसका नाम होता है एलन, वो चारों की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है। तो दोस्तों दूसरे दिन जब सुबह उठती है तो देखते हैं उनके पूरे घर का तहस महस हो चुका है, और दूसरी तरफ जो कि दूल्हा जिसका नाम डॉग होता है वो अपनी जगह से गायब है और वो इनके साथ नहीं है। तो कैसे ये तीन दोस्त मिलकर डॉग को ढूंढते हैं और आगे जाके क्या क्या कारनामे करते हैं वो आप इस मूवी में जरूर देखिए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आ जाते हैं हमारे लिस्ट पर की टॉप फर्स्ट मूवी पर, जिसका नाम है रश आर। 1998 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7 out of 10। दोस्तों आपने लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस मूवी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो दोस्तों कोई बात नहीं। तो दोस्तों हमारी मूवी की स्टोरी शुरू होती है हमारे जब चाइनीज कंसोल की बेटी किडनैप हो जाती है, और उसे ढूंढने के लिए दो डिटेक्टिव्स भेजते हैं जिसमें से एक का रोल जैकी चैन ने किया है और दूसरे का रोल क्रिस टकर ने। तो कैसे जैकी चैन और क्रिस टकर मिलकर वो चाइनीज कंसोल की बेटी को ढूंढते हैं और कैसे बचाते हैं वो आप इस स्टोरी में देखिए। मूवी काफी कॉमेडी और काफी ह्यूमर से भरी हुई है, और काफी बिट्स और काफी मजा आने वाला है आपको। एक्शन के साथ आपको एक कॉमेडी का कॉम्बिनेशन जरूर देखने मिलेगा, और दूसरी तरफ जैकी चैन की जो फाइटिंग स्टाइल है वो भी आपको एंटरटेन रखेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी मूवीज रेकमेंडेशंस आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आ सकूं। और दूसरी बात, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आकर आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, ताकि मैं आपको नई नई मूवीज और नई नई रेकमेंडेशंस आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।